आपके दिल पर उदय चौधरी ने गोली मारी थी और तुम्हारा भाई उदय चौधरी मेरे को ठीक सामने बंदूक लिए खड़ा था। फिर भी तुम कह रही हो कि उदय चौधरी ने गोली नहीं मारी। अनमोल, अगर तुमने एक बार भी हमें दिल से मां कहा है ना, तो तुम्हें आज अपनी मां के साथ खड़ा होना पड़ेगा। वरना आज की बात से हमारे सारे रिश्ते खत्म। दो घंटे हैं तुम्हारे पास, सोच लो तुम्हें क्या करना है। मायके वालों के साथ रिश्ता निभाना है या ससुराल वालों को न्याय दिलवाना है? उदय की नीयत रजत को तकलीफ पहुंचाने की थी और इस बात को तुम नकार नहीं सकती। हमारे कलेजे के टुकड़े को उसने गोली मारी है और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद हमारा बेटा रजत है, जो जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। अनमोल, अपने भाई का मुंह छोड़ो और पुलिस और वकील साहब को सब सच सच बताओ। तुम मायके वालों और ससुराल वालों में से होगा। हाँ, बड़ा कहती हूँ ना, मेरा परिवार तो साबित करो कि ये तुम्हारा परिवार। अनमोल, तुम अच्छी तरह से जानती हो हमने कभी भी तुम पर कोई दबाव नहीं डाला, पर तुम्हारे भाई ने हमारे कलेजे के टुकड़े को, हमारे बच्चे को गोली मारी है। इसीलिए तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। तुम हमेशा सच के लिए खड़ी होती हो ना, आज तुम्हारे भाई की बात निकली तुम कमजोर पड़ गई। नहीं अनमोल, तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। साफ करने में लगेंगे तो धुएं से रिश्ते जल जाएंगे, वहीं धुएं के साथ आगे बढ़े तो सच का साथ देने वाले हम खुद ही जल जाएंगे। पता नहीं झूठ और सच के इस द्वंद्व में कौन से रिश्ते की बलि चढ़ेगी हमारे हाथ में।